है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक्स पर इसकी जानकारी दी, हमास का दुश्मन नंबर ये 2 था और इसको ढेर कर दिया गया है। कमांडर है मोहम्मद डायफ। और आपको बता दें कि इसराइल पर देखिए जो हमला किया गया था और जो लहूलुहान पूरी तरीके से इसराइल को कर दिया गया था, उसमें इसका भी हाथ सामने आ रहा था। इसके बाद से लगातार इसराइल जो है रणनीति बना रहा था कि किस तरीके से दुश्मन नंबर 2 को भी ढेर किया जाए। इसमें भी देखिए इसराइल ने एक और दुश्मन को ढेर कर दिया है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही हमास के चीफ को मार गिराया गया था, खात्मा कर दिया गया था और बदला लिया गया था 7 अक्टूबर 2023 को जो इसराइल पर हमास की तरफ से हमला किया गया था, और अब दुश्मन नंबर 2 को भी ढेर किया गया है, मार गिराया गया है। तो इजराइल एक के बाद एक अपने दुश्मनों को जो है वो मार रहा है, खात्मा कर रहा है। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मोहम्मद डायफ को भी मार गिराया गया है। तो कौन है इजराइल का सबसे बड़ा जख्म, देखिए मोहम्मद डायफ ने दिया था। और इसे लेकर लगातार से ही यानी कि इजराइल जो है लगातार ये प्लानिंग कर रहा था कि किस तरीके से इससे भी खत्म किया जाए। इसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि मोहम्मद डायफ को भी मार गिराया गया है। तो बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। पहले इस्माइल हानिये जो पॉलिटिकल लीडरशिप कतर से संभाल रहा था हमास की, उसे मार गिराया गया, और अब मोहम्मद दाइफ, आपको बताएं मिलिट्री विंग का प्रमुख था, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मोहम्मद दाइफ की थी। जब 7 अक्टूबर का वो दर्दनाक हमला हुआ था जिसमें 1200 लोगों को अपनी जान, इजरायली लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और दाइफ 7 बार मौत को चकमा दे चुका था, इस बार प्लान ऐसा बनाया गया इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि ये चकमा नहीं दे पाया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मोहम्मद दाइफ को अब मौत के घाट उतार दिया गया। मिलिट्री विंग का जो प्रमुख रहा और मोस्ट वांटेड जो दुश्मनों की लिस्ट थी 7 अक्टूबर के हमले के बाद, उसमें हानिये और मोहम्मद दाइफ पहले और दूसरे नंबर में थे, और दोनों को ही मारने में सफलता हासिल कर ली है इजरायली डिफेंस फोर्स ने। बकायदा इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया। आपको याद होगा कि नील ने कैसे मोसाद और सारी जो एजेंसियां हैं वो मिलकर यहां पर शिनबेट, इन्होंने पूरा प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बनाया, जिसके बाद इस्माइल हानिये को मारा गया और अब मोहम्मद दाउफ को मार दिया गया है। एक और जो टॉप कमांडर था, मिलिट्री विंग का प्रमुख था, जो सब कुछ संभाल रहा था, जिस तरह से गाजा में हमले गाजा से किए जा रहे थे इसराइल पर, मदद मिल रही थी लेबनन से, ये कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा था मोहम्मद दाउफ, और अब इसे मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। आप देखिए कि इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार बरसी पूरी होने से पहले यानी 7 अक्टूबर की तारीख होने से पहले बदला ले रही है बिना रुके बिना थके, और यही वजह है कि लेबनन के जो बेरूत में एक दूसरा कमांडर था हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर, उसे पहले मारा गया, हानिये को मारा गया, और अब दाउफ का नंबर, यानी 3 दिन में 3 सफलता IDF ने हासिल की है। और AK सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, 2 दिन में ये बड़ा हमला देखिए इजराइल की तरफ से किया गया, दूसरे दुश्मन को भी ढेर किया गया है। देखिए इजराइल की तरफ से बहुत बड़ी सफलताएं हैं, खास करके नेतन्याहू का जब अमेरिका से वापस आए हैं तो उनके जो ऑपरेशनल इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ गई है। आप देख रहे हैं किस तरह से इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर में, और ईरान के जहां पर उनके राष्ट्रपति थे वहां से 150 किलोमीटर दूर के अंदर में प्रिसीजन अटैक से मारा गया है। दूसरा आपने देखा जैसे लेबनान में हुआ, बेरूत के अंदर में जो हिजबुल्ला के टॉप लीडर्स के सेकंड हैं, जो उनके डिप्टी हैं, उनको मार गिराया गया, और वो नहीं है अमेरिकन के जो कॉन्सुलेट में जो बम्बार्डिंग करवाया था पहले यही था। उसके अलावा हम आप देखिए अभी मोहम्मद दाइफ तो 16 जुलाई को ही मारा गया था, मगर उसको मान नहीं रहा था हमास, अब उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो आज उसकी कंफर्मेशन आ गई। सिन्हा साहब ने कहा क्या था कि मोहम्मद दाउफ के ऊपर पूरा दारोमदार था, एक तरह से जो सुरंगों का नेटवर्क पूरा क्रिएट किया गया था जिसमें बच बच कर ये हमास के आतंकी रहा करते थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री विंग का ये मेंबर था, यही सब कुछ चलाता था, और ऐसे में इसको मार गिराने के बाद क्या कमर टूट जाएगी अब हमास की? हमास की कमर तो टूट चुकी है, 80% उसकी जो क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, वो तो खत्म हो ही चुकी है। जो आप मोहम्मद दाइफ की बात कर रहे हैं, जो मोहम्मद दाइफ जो है वो कासिम ब्रिगेड का लीडर था, जो उनका मिलिट्री विंग होता है उसका कमांडर था और उसका चीफ था, और ये बहुत सातत था उसका, वो तो 16 जुलाई को मारा गया था, मगर आज एक्सेप्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग हमास, और इसराइल ने भी इसको डिक्लेयर किया है, तो ये तो मारा गया था। इसके बाद जो अहिया सनिमार है वही एक बचा है, जो एक जो कि उसके पॉलिटिकल विंग का हमास का इनसाइड गाजा है,